आरसीबी और केकेआर के मुकाबले के पोस्टपोन हो जाने के बाद अब आईपीएल का 31वां मुकाबला आज एमआई और हैदराबाद की टीमों के बीच खेला जाएगा। और ये मुकाबला शुरू होने से पहले अब इस मुकाबले को लेकर यहाँ पर चार बड़े अपडेट्स निकल कर आए, जहाँ पर कुछ अच्छी खबरें कुछ बुरी खबरें निकल कर आई है। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर एमआई और हैदराबाद का मुकाबला शुरू होने से पहले दोनों टीमों को लेकर क्या बड़े अपडेट्स, क्या चार बड़े अपडेट्स, क्या बुरी खबरें, क्या अच्छी खबरें निकल कर आई है। आपको इस वीडियो में इस मुकाबले की सारी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आज का मुकाबला होगा या फिर नहीं होगा, तो कितने बजे शुरू होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आखिर आज एमआई और हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले से पहले यहाँ पर कौन से चार बड़े अपडेट्स, कौन सी अच्छी और बुरी खबरें निकल रही है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की, तो यहाँ पर जो पहला बड़ा अपडेट निकल कर आया है वो आया दिल्ली के ग्राउंड्समैन को लेकर। दरअसल आज एमआई और हैदराबाद के बीच यहाँ पर आईपीएल का 31वां मुकाबला दिल्ली के यहाँ पर स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन ये मुकाबला शुरू होने से पहले यहाँ पर 5 ग्राउंड्समैन कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यानी जो व्यक्ति पिच को तैयार करते हैं, जो व्यक्ति ग्राउंड्स को तैयार करते हैं, उनमें से 5 व्यक्ति यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर मैच से पहले यहाँ पर 5 ग्राउंडमैन को लेकर बीसीसीआई को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जो एमआई और हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा, इस मुकाबले के आप माई 11 सर्किल पर टीम बनाकर पूरे 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। इवन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने माई 11 सर्किल का लिंक दे रखा, अगर यहाँ से आप माई 11 सर्किल को डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करते ही आपको हमारी तरफ से 1500 रुपए बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उन्हें 1500 रुपए में से केवल 1 रुपया लगाकर आज के मुकाबले में आप अपनी टीम बनाकर पूरे 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। इवन अब तक पिछले 1 हफ्ते में हमारे सब्सक्राइबर ने माई 11 सर्किल से 50 लाख से भी अधिक रुपए जीत लिए। आपके पास ये मौका है कि आज के मुकाबले की आप माई 11 सर्किल पर टीम बनाकर पूरे 1 करोड़ रुपए जीत सके। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से माई 11 सर्किल को डाउनलोड करके आज के मुकाबले के लिए अपनी टीम बना ले। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। अब बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की, तो जो दूसरा बड़ा अपडेट निकल कर आता है वो आता है यहाँ पर सभी ग्राउंडमैन की नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर। दरअसल 5 पॉजिटिव पाए जाने वाले ग्राउंडमैन को छोड़कर बाकी सभी ग्राउंडमैन आज के मुकाबले से पहले यहाँ पर नेगेटिव पाए जा चुके हैं, जहाँ पर बीसीसीआई ने पिछले यहाँ पर एक दिन में 24 घंटे में इनकी 5 बार कोविड की टेस्टिंग कर ली है। और 5 बार कोविड की टेस्टिंग में ये नेगेटिव पाए गए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो 5 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए तो उनको बीसीसीआई ने आइसोलेशन में रखा है। और बाकी यहाँ पर 35 व्यक्ति आज के मुकाबले के लिए पिच और स्टेडियम को तैयार कर देंगे। तो कुल मिलाकर आज के मुकाबले में यहाँ पर स्टेडियम तैयार होने में, पिच तैयार होने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे बड़े अपडेट की, तो जो तीसरा बड़ा अपडेट निकल कर आता है वो आता है एमआई और हैदराबाद की तरफ से। दरअसल आज के इस मुकाबले से पहले यहाँ पर कल के दिन में एमआई और हैदराबाद के सभी प्लेयर्स की 4-4 बार कोविड की टेस्टिंग करी गई थी, और सभी प्लेयर्स यहाँ पर 4-4 बार टेस्टिंग में यहाँ पर नेगेटिव पाए गए। कुल मिलाकर आज के मुकाबले के लिए यहाँ पर सभी टीमों के सभी प्लेयर्स प्रॉपर उपलब्ध हो चुके हैं। हालांकि कल के दिन ट्रेंट बोल्ट को बुखार थी, लेकिन आज मैच शुरू होने से पहले ये रिपोर्ट है कि ये पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे, ये कोविड पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर एमआई और हैदराबाद के लिए बड़ी खुशखबरी कि आज के मुकाबले के लिए यहाँ पर दोनों ही टीमें नेगेटिव पाई गई। आज का मुकाबला हमें हैज पर शेड्यूल देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट की, तो जो चौथी बड़ी अपडेट निकल कर आती है वो बीसीसीआई की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने आज के मुकाबले को लेकर यहाँ पर अपनी तरफ से कंफर्मेशन दे दी। गांगुली ने बता दिया है कि आज के मुकाबले में कोई भी समस्या नहीं है, आज का मुकाबला हमें हैज पर शेड्यूल शाम 7:30 बजे दिल्ली से लाइव देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अब तो बीसीसीआई भी कंफर्मेशन दे चुकी है, दोनों टीमों की नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। तो आज शाम 7:30 बजे से हमें दोबारा से आईपीएल की यहाँ पर स्टार्टिंग देखने को मिली। कि आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर आज का मुकाबला एमआई की टीम जीतेगी या फिर हैदराबाद की टीम जीतेगी, और आपके अकॉर्डिंग अब बिना किसी समस्या के आईपीएल यहाँ पर पॉसिबली हो पाएगा या फिर नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। इसके साथ हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।